और हम चाहते हैं उनको मार्गदर्शन करते हुए हमारे उपायुक्त महोदय जो शब्द कहें और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इस रूट से बाहर निकलेंगे। एक जोरदार तालियों के साथ हमारे उपायुक्त महोदय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे डीडी सिंह साहब, केसी साहब, यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले पूर्व सैनिक के सभी सदस्यगण, मीडिया के बंधु, भाई एवं बहनों, के बाद से हम लोगों ने एक अलग ताकत हासिल किया है पूरे दुनिया में और देश ने काफी तरक्की भी किया है। और इसके सारे कोर में अगर मैं बताना चाहूंगी कि क्या चाहूंगा कि क्या है, तो सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है कि लोकतंत्र को हमने जिंदा रखा है, यहाँ पे मजबूत बनाया है पिछले 60-70 सालों में। और कोई भी काम हो, चाहे वो नेशनल एंट्री, हमारा देश मजबूत होगा, हमारे देशवासी मजबूत होंगे। लेकिन कई प्रयासों के बाद भी अभी भी जितने मतदान का प्रतिशत होना चाहिए, खासकर शहरी क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि इतने जागरूकता के बाद भी लोग बूथ तक नहीं आना चाहते हैं और वो नहीं हुआ। तो मैं इस मंच के माध्यम से पूरे बोकारो जिले को और यहाँ के नगरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मतदान के दिन यहाँ आए, अपने अपने बूथ पे जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जो भी उनके च्वाइस का कैंडिडेट हो के लिए आगे आए। और मैं साथ ही अनुरोध करूंगा कि जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, समाज के जो वर्ग हैं, अभी मतदान में काफी समय है, इस तरह के नए नए इनोवेटिव कार्य को समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग आगे आगे चलते हैं, धीरे धीरे हम मालूम है। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए, आप सभी लोग खड़े नहीं रहिए, इस गांड यहीं से आगे 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 लाइट नहीं है।